देखवा लिया राहत को बेचारा एक तो लास्ट ब्लॉग में हमने देखा था कि हम आज के थे चंबा में और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे अपनी जो एमपी है उसकी टीचर पढ़ाने के लिए। और ये देख लीजिए यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक और अभी काम चल रहा है यहाँ पे और थोड़ी देर लगेगी, बाकी उसके बाद कॉलेज भी हमारा इधर ही है साथ में, तो आपको थोड़े बहुत रिएक्शन भी दिखाएंगे हम। फिलहाल अभी काम करवा लेते हैं इसमें, देखते हैं कि कैसा रहता है, कब तक हो पाता है काम। ये देखिए सीट खुल चुकी है एंड बाकी काम जो आधा हो चुका है ये देख लीजिए, ये हो रही है पीपीएफ और पीपीएफ लगने के बाद बाइक काफ़ी अच्छा चमकदार दिखने वाली है। तो अभी लोग देख सकते हो बाइक की, देखो नशीली आंखें। तो सुजल भाई को लेके आए हैं हम अपने साथ, तो बीजी भाई के पास फ़ोन देख सकते हो, ये देखिए कौन सा फ़ोन है आप बताना कमेंट बॉक्स में। किसका नहीं नहीं कौन सा फ़ोन है गाइज। अब चलते हैं आपके लिए रिएक्शन व्लॉग बनाने के लिए, और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब रिएक्शन व्लॉग लाता हूं मैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सो अभी चलते हैं फटाफट यहां से और चलते हैं साथ साथ में सुजल भाई को भी ले जाते हैं, और देखिए रिएक्शन देख रहे हो गाइज, साथ में रिएक्शन तो आते हैं इस बाइक पे, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आ रहे हैं, बढ़िया अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब बाइक आप लेते हो तो इसीलिए लेते हो कि लोगों को भी पसंद आए। तो गाइस अगर आप भी चाहते हो अपनी बाइक में या अपनी कार में पीपीएफ करवाना, तो आप करवा सकते हो चंबा में सैंडी आर्ट सुल्तानपुर, अमेजोन के ऑफिस के नीचे वाली छत में रहते हैं, वहाँ पे है उनकी दुकान। तो बाइक पे आपको करवाने के लिए लगभग 2000 रुपये ले जाने हैं, और बाकी वो खुद बता देंगे वहाँ पर जा करके, और कार के लिए आपको उन्हीं से कांटेक्ट करके पता करना होगा। नाइस
मार्केट है यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर, चलते हैं। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं कॉलेज वाले एरियाज में, बट कॉलेज वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बाहर वाले रास्ते से ताकि जल्दी पहुँच सके हम। एक रास्ता यहाँ से अंदर को जाता है जो कॉलेज से होकर के घूम करके आता है, बट ये वाला रास्ता मेन सड़क है और शॉर्ट भी है, सो यहाँ से चलते हैं फटाफट। अभी हम मार्केट पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे हम पहुंचे हैं ब्रिज पे, ये चंबा का सबसे बड़ा ब्रिज है और यहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड, वहाँ पे है हमें भूजी से मिलना है अपनी। तो गाइस मार्केट की तरफ चलते हैं, भूजी तो बस स्टैंड में मिले नहीं, अब चलते हैं दिखाते हैं आपको रिएक्शन लो। मेरा कल वो भी था बोल रहा था। सो गाइस जहां से ऊपर खड़ी चढ़ाई है एकदम, तो देखते हैं कि एमपी कैसे चढ़ती है दो बंदों के साथ, और आराम से चढ़ जाएगी। ओ भाई आगे ब्रेकर था गाइस, तो देखिए गाइस मक्खन की तरह चढ़ रही है यहाँ पे तो दूसरे गियर में। बाकी सिंगल रोड है और टाइट रोड है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाइक को चढ़ाने में, बट प्रो राइडर हमारे साथ है, प्रो राइडर ही चला रहे हैं बाइक, देखिए पैर तक नहीं रखते नीचे। चलिए दोस्तों अभी करते हैं दूसरे गियर में चढ़ाने की ट्राई, बट है ऊपर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई सो मुझे नहीं लगता चढ़ेगी, अब गियर चेंज कर लेते हैं। सो चलिए अब पहले गियर में चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है ऊपर से, बाइकर के लिए टफेस्ट सिचुएशन है यहाँ पे अगर बाइक को चढ़ाना है। देखिए एक तो लोग चल रहे होते हैं साइड साइड से एंड फिर एकदम से ऊपर से गाड़ी आती है, तो बाइक को संभाल पाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। जिस बंदी ने रिएक्शन दिया ना मैं सब जानता, ये राधी बाजार हमारा चंबा, ये मार्केट बोलता मैं बाजार है। अभी दिखाते हैं आपको थोड़े बहुत रिएक्शन यहाँ पे। जिसने देखा हमको Yeah.
देखा ईवीएस कैसे काम कर रहा, पिछली ब्रेक मैंने पूरी लगाई। क्या हाल है सर, कैसे हो? देखिए हमें मिल चुके हैं चंबा के जाने माने हस्ती। अभी जैसे देखो पूरी ब्रेक मान लो मैंने पिछली दबा दी ना, तो एक खट 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 मतलब थोड़ा स्लिप मार रहा है बट उतना नहीं। अभी जैसे ये अगली में काम कर रहा है तो अभी चेक करना बिल्कुल इसको। हम तो पहुंच चुके हैं रूम पे एंड इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पस था एंड थोड़ा सा एम्प्टी को घुमाना था सिर्फ, बाकी कोई शो ऑफ का कोई ऐसा पर्पस नहीं था, डिसरिस्पेक्ट करना भी नहीं था। और आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब सुरेंद्र खन्ना व्लॉग्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, कीप सपोर्ट। और हाँ, 10 कमेंट का चैलेंज रखा हुआ है, सो 10 कमेंट कर दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है।